वाइटिक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वाद का गार्ड। तो मैं चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासी अपने यहाँ पर रह रहे किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इस क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में जी यूपी से, बिहार से, बंगाल से किराएदार रह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। इन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जहाँ हम खड़े हैं ललित जी, ये यहाँ पर आप देखिए अभय कमांड के कैमरे लगे हुए हैं, पर कई समय से बंद पड़े हुए हैं, अनुपयोगी हैं। वही मैंने कहा कि फुटपाथ की कमी के चलते आप देख सकते हैं कि इस तरह से, ये अगर यहाँ पर अच्छी पेवर टाइल्स लगी होती, चेकर टाइल्स लगकर फुटपाथ बना हुआ होता, तो यहाँ पर आज हम खड़े होते और अच्छे से खड़े हो पाते। ये पब्लिक की आवाज पे काम करना, यही तो जादू है जी। अगर काम नहीं है तो जादू ही नहीं है जी। आप जानते हो पब्लिक को काम चाहिए जी। क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी जी, लाइट, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए जी। तो ये जादू, ये काम का जादू कर रखा है। आप देखिए ये पूरा मेरे, वैसे तो मेरे वार्ड की जनता ने आपको सब बता दिया होगा, मैं तो सोनिका जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जगदीश जी के बारे में, जगदीश जी के बारे में मैं, जनता बोल रही है ना सर, मैं क्या बोलूँ। क्या कलेक्टर साहब, इस तरह की वो जमीन है, आज एक इंच जमीन मिलना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों ने हमारे पार्षद समय में इतनी बड़ी हमने जमीन दिलाई, तो उस जमीन का विकसित करना, उसको डेवलपमेंट करना, आने वाले जो भावी पीढ़ी है, आने वाले जो वहाँ की पब्लिक है, उसका सदुपयोग करें। भारतीय जनता पार्टी का छठा वोट जो हमारा यहाँ आया है उदयपुर शहर में, परंतु कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से जो वैश्विक महामारी थी उसका हमको दंश जो झेलना पड़ा, लगभग 1.5-2 साल का जो कार्यकाल था उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। इस वजह से कहीं ना कहीं काम इफेक्ट हुआ है, इस बात को स्वीकार करने में कहीं संकोच नहीं है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जो भी लोक सेवक हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनसे एक व्यक्तिगत रूप से समझें, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते भी समझें, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, इस चीज़ को हाथोहाथ लेकर और जो भी जो खातेदार है जिन्होंने निश्चय ले रखा है उनसे समझाइश करके, समझौता वार्ता करके इस रोड को क्लियर करने का प्रयास करें। नहीं नहीं, वो बताऊं मैं आपको, सब्सिडी सेंटर योजना ललित जी अभी भी यूडीए के पास ही है, उसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूडीए की है। कोई भी जिम्मेदारी नगर निगम पे केवल अधिकारी थोपने का काम करते हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा बड़े खड्डे हैं वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और वो गिट्टी डलवा करके एक बार उसको समतल करवा रहे हैं, बाकी अन्यथा उससे पहले चाहे पानेरू की मादड़ी हो गया, संतोष नगर हो गया, आवरी माता हो गया, स्वामी नगर हो गया, मेरे खुद के घर के बाहर लाइक ऑलमोस्ट पूरे एरिया में सब जगह पर जैसे जैसे डिमांड थी उस हिसाब से रोड बनवाई है और आप खुद उसके साक्षी हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर इस पार्क को कोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि अगर उस पार्क को कोई गोद लेने वाला हो, पब्लिक, हाँ, कोई भी, हाँ, ये नॉर्मल है और ये हमारी ड्यूटी है करना है, उसमें मुझे लाइक कहीं पर नाली बनवाई तो मुझे वाई वाई करवाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने नाली बनवाई, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कितने ही शेड ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आप नीचे से पूरा कर देते हो लेकिन ऊपर छत पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता है, तो बारिश के दिनों में पूरे वो नल वगैरह नाल दे होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, तो वो सीढ़ी लगवा करके पूरा उसको कंप्लीट करवाया। एक और था आवरेश्वर महादेव जी का मंदिर, वहाँ पर भी पूरा शेड निर्माण करवाया ऊपर छत डलवा करके जी। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि दूसरी जगह पर अगर जगह मिल जाएगी उसको शिफ्ट करने की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मकान या मेरे घर या मेरे प्लॉट के सामने खंभा नहीं आए, वाजिब सी बात है, आपकी भी अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी होगी तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा उसके सामने आए, तो निश्चित तौर पर मेरे अगर आपने संज्ञान में लाया है तो मुझे नहीं ध्यान था, मैं बात करूँगी RSCB में और वहाँ पर अगर कोई भी उचित स्थान अवेलेबल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर महीने 2 महीने में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इसको शिफ्ट करवा दूँ। हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रवासी और हैं और ये उदयपुर के बढ़िया युवा समाज सेवी भी हैं और चर्चित चेहरे हैं सूर्य प्रकाश जी, इनसे बात करेंगे। ये वार्ड 27 के ही बाशिंदे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं हैं या किस प्रकार की असुविधाएं हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम उदयपुर न्यूज़ टीम का कि उदयपुर के सभी वार्डों में जाकर आप लोग जन समस्याएं और जन अपेक्षाओं से सभी को रूबरू करा रहे हैं। गारियावास क्षेत्र जो पहले एक पुराना कस्बा माना जाता था, आज देखिए आप ये 100 फीट जहाँ पर खड़े हैं
ये आने के बाद और यहाँ पर सब्सिडी सेंटर बनने के बाद और ये जो UIT ने इसे अधिग्रहित कर इसे बहुत ही विकसित श्रेणी में ला दिया है जी जी। पर जितना इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था उतना यहाँ पर सुविधाएं मिली नहीं है। आज हम उम्मीद करते हैं कि UIT या नगर निगम इस क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाए, एक अच्छा पार्क बनाए। आज यहाँ पर आप देखिए सुबह और शाम सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं जी। यह 100 फीट रोड है, यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह भी अच्छा किया गया है। पूर्व में पूर्व पार्षद द्वारा यहाँ पर गायत्री समाज जगदीश जी नहीं राजकुमार मैनारिया मैडम द्वारा एक स्नानागर भी बनवाया गया। अच्छा। और सड़कों का जहाँ तक मामला है अभी कुछ जगह सीवरेज का काम होने के बाद भी उस पर रिपेयर का काम बाकी है, कुछ जगह सीवरेज का काम शुरू नहीं हुआ। और क्षेत्रवासियों के लिए जो मैंने बताया कि कम्युनिटी हॉल इस क्षेत्र में बहुत महती आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर आसपास एक मैं सेक्टर 8 में है एक हाँ जी सेक्टर 8 में है, अन्यथा इस क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल नहीं है। और साथ ही मैं मेरा निगम से ये भी अनुरोध है कि यहाँ पर जो एक शमशान है मोक्ष धाम जो हम कहते हैं सवीना सब्जी मंडी से पहले जी इसी वार्ड में, तो उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं है, बदतर ही कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पर जाना, इससे ज़्यादा शायद सेक्टर 13 में चले जाते हैं अशोक नगर सवीना वाले में। जगदीश जी मैनारे ने काम कराया है उसमें। हाँ कुछ काम उस समय हुआ था बट आज क्योंकि यहाँ पर आबादी बड़ी है लोगों का आना प्लस मेंटेनेंस वगैरह हाँ मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पर कम है प्लस सब्जी मंडी के यहाँ पर भी आवागमन में पार्किंग की व्यवस्थाओं को सुचारू हाँ जी सुचारू रूप से करना यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी जी। और अन्यथा यह क्षेत्र अब जो है रोजगार जो जिन लोगों को आसपास नौकरीशुदा लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर किराए पर रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासी अपने यहाँ पर रह रहे किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इस क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में जी जी यूपी से बिहार से बंगाल से किराएदार रह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत इम्पोर्टेंट है सर, इन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जहां हम खड़े हैं ललित जी ये यहां पर आप देखिए अभय कमांड के कैमरे लगे हुए हैं पर कई समय से बंद पड़े हुए हैं, अनुपयोगी हैं। ये परशुराम चौराहे पे अभय कमांड के कैमरे बंद होने की शिकायत यहाँ पे एक क्षेत्रवासी कर रहे हैं और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस जगह पे तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनने जा रहा है, एक पूरा व्यापार भी अच्छा डेवलप हो गया है और एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे तो कैमरे कम से कम 25-30 कैमरे तो इसी एरिया में होना चाहिए। और इस क्षेत्र में क्या मतलब देखो कोई अच्छा हुआ है तो वो भी बताइए क्योंकि सड़कें तो यहाँ पे प्रॉपर इस जगह तो मुझे ठीक लग रही है। जी बिल्कुल, मैं एक आगे थोड़ा सा एक बॉटलनेक है दो जगह पर, वो UIT का जो भी लीगल कंप्लायंसेज है वो कर जरूर से ये रोड भी पूरी माली कॉलोनी से जुड़ जाएगी और धीरे धीरे ये क्षेत्र पूरा व्यापार क्षेत्र बन रहा है। आप देखिए पूरे रोड पर बहुत सारी शॉप्स बन गई है जी। और वही है कि फुटपाथ का निर्माण यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, अभी फुटपाथ का निर्माण प्रॉपर नहीं है जिस वजह से लोगों को रोड पर चलना होटल्स खूब है यहाँ, पेट्रोल पंप्स भी है, छोटे मोटे डिस्पेंसरी मेडिकल्स भी हैं जी जी जी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई इस मार्केट। ये एक तरह से उपनगरीय क्षेत्र बन चुका है, जो पहले हिरणमंगरी जाते थे वो वही उसी में आ रहा था कि यह एक तरह से पहले जो उपनगरीय क्षेत्र होता था वहाँ पर जानी पड़ती थी हर चीज़ के लिए, अब गारियावास में ही यह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई दोनों तरफ के लिए हो गया। यहाँ पर एक बानेरों की मादड़ी के लिए भी हो गया, बिल्कुल बानेरों की मादड़ी और गारियावास दोनों क्षेत्र के लिए, और दोनों ही क्षेत्र आपस में जुड़े हुए रहे हमेशा से जी जी। गारियावास और बानेरों की मादड़ी दोनों बहने सिस्टर कंसर्न कह लीजिए, और आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की भी बहुत बड़ी डिमांड आ जाएगी क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर एक बनना इस वार्ड छोटा मोटा बहुत जरूरी है जी जी। तो यह सभी सुविधाएं होने के बाद यह क्षेत्र जरूर विकसित होगा और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार इन समस्याओं को मीडिया में लाते रहते हैं। यहाँ पर चेन स्नैचिंग की बहुत सारी वारदातें हो चुकी है, मोबाइल चोरी की बहुत सारी वारदातें हो चुकी है, यहाँ तो फिर कैमरे इस रोड पर कैमरे भी चालू होने चाहिए और लाइटों की सड़क पर बिजली रात को लाइटों की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, बहुत अंधेरा रहता है कई बार। ये सभी सुविधाएँ एक क्षेत्र में होने से एक क्षेत्र का विकास अवश्य भावी है। अगर स्पेशली पार्षद की बात करें तो कितने प्रभावित हैं काम से या फिर नाराज हैं? देखिए पार्षद ने अपनी तरफ से कुछ समय से उनका यहाँ पर आना कम हुआ है, बाकी पूर्व में अभी 5-6 महीने तो उनके कोई मुझे पता चला कि वो क्योंकि उनको मातृत्व सुख मिला है बिल्कुल मैटरनिटी लीव थी जी उस वजह से, उसके पूर्व में वो जरूर से आती रही हमारी गली और हमारे वार्ड में, महिलाओं से भी रूबरू होकर उन्होंने महिलाओं की समस्याएं जानी है जी जी। लोगों के जन आधार कार्ड बनवाना, उनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्होंने संपूर्ण प्रयास किए हैं जी जी। और अब
क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो उन्हें पुनः फील्ड में आकर पूरा अपनी जोर शोर पूरे दमखम से जनता से जुड़ाव फिर से कायम करना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे गुजारिश है। और क्या डेवलप हो सकता है, इस सर्कल तो बहुत बड़ा है वाकई में, ये मार्केट जो है ना ये बड़ा तीतर बितर लगता है। हाँ, अभी, अभी अभी थोड़ा सा क्योंकि देखो यहाँ पीछे इतने होटल्स वाले हैं, ये ठेला चाय के ठेला मजदूरी करते हैं जो भी हैं, लेकिन इनके और रोड के बीच में आप ये स्थिति देखते हो। वही मैंने कहा कि फुटपाथ की कमी के चलते आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह, अगर यहाँ पर अच्छी पेवर टाइल्स लगी होती, चेकर टाइल्स लगकर फुटपाथ बना हुआ होता तो यहाँ पर आज हम खड़े होते और अच्छे से खड़े हो पाते तो पानी की भी निकासी हो पाती। ये पैरवी तो पार्षद कर सकते हैं। हाँ, 100% पार्षद को ये नहीं, यहाँ का तो कोई भी मुद्दा पैरवी तो वही करेंगे, चाहे करे कोई भी। बिल्कुल, चाहे यूआईडी क्षेत्र हो चाहे निगम क्षेत्र हो, जन समस्याओं को समाधान करवाना पार्षद की जिम्मेदारी है। और यह जो रोड है क्योंकि ये सड़कें अब धीरे धीरे 60 फीट रोड तक भी कॉमर्शियल, वहाँ पर यूआईटी के पट्टे दे रखे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी होती है जी। तो जब जब रोड जहाँ जाके सकड़ी हो रही है संतोष नगर के पास में, वहाँ पर भी कुछ बॉटलनेक्स हैं, वहाँ पर भी जहाँ लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अतिक्रमण कर रखा है उसे लोग अपने स्वयं स्तर पर हटाएं तो और भी अच्छा है, वरना निगम के स्तर पर भी ऐसी कार्रवाई समय समय पर होना बहुत जरूरी है। आपके गारेवास में यहाँ पे कुछ महीने पर काम चला था, अब वो सड़क पुनः टूट गई है वहाँ पर, सड़क टूट गई और वो नाला कुछ बनाया था नहीं। हाँ, महीने भर तो बंद रखा था इस रोड को। हाँ, अभी वहाँ पानी भरा हुआ है। 15-20 दिन जरूर लोगों को आवागमन में तकलीफ हुई थी और पुनः वहाँ पे जो काम किया गया था वो पुनः टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खड्डा है वहाँ पर। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे महिलाएं और बच्चे बहुत इवनिंग वॉक का यहाँ पर बड़ा उनको शौक है, तो ये सड़क और ये सड़क दोनों ही रहती है, तो पानी उछलना गाड़ियों के निकलने से, क्योंकि ये मुख्य मार्ग हो गया, पुलिस लाइन से कनेक्ट करने वाला ये मुख्य मार्ग हो गया है, हजारों गाड़ियां यहाँ पर विचरण करती है। तो आप पार्षद के काम से तो लगभग खुश लग रहे हैं, पर समस्याएं भी आपने इतनी सारी बता दी है, तो शहरी सरकार में जिम्मेदारी तो पार्षद की। देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। 3 महीने बचे हैं सर। हाँ, मैं मानता हूँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, इस क्षेत्र को विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती है। क्या मैसेज सोनिया जी के लिए, सोनिका जी के लिए? जी, पार्षद मैडम ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किए हैं लोगों से संपर्क कायम रखने में, यहाँ की समस्याएं पर आने वाले समय में मैं चाहता हूँ अब पुनः वो फील्ड में पूरी एनर्जी से आएँ और लोगों से संवाद कायम कर लोगों की दुविधाएं उनकी समस्याएं जानें और उसे पूरी तरह जितनी ताकत लगा सके। आज निगम में बोर्ड है और वो खुद समिति अध्यक्ष भी हैं, तो इन समस्याओं के प्रति उनका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये सूर्य प्रकाश जी थे जो उदयपुर के मतलब सेलिब्रिटी हैं, और जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं वो सूर्य प्रकाश जी से पर्सनली मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और शहर की हर समस्या से, चाहे वो सामाजिक लेवल की हो या फिर पूरे शहर की हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे साथ पूर्व पार्षद इस वार्ड की, जो वार्ड 22 हुआ करता था, ये 10 साल पहले यानी कि पिछले 2 बोर्ड में नहीं, उससे पहले रजनी जी डांगी थे तब यहाँ पर पार्षद हुआ करती थी। इनका परिचय वैसे कोई मोहताज नहीं है, पर मैं बता दूं ये राजकुमारी जी मेनारिया हैं, पानेरियों की मादड़ी की निवासी हैं, और ये उस समय के वार्ड 22 की पार्षद हुआ करती थी। इनसे जानेंगे, मैडम आज हम आपके जो अब वादा वार्ड 27 हो गया है, पूरे वार्ड में घूमे, लोगों की समस्याएँ जानी, सब भी जानी, हमने एक चीज़ नोट की कि पार्षद तो सोनिका जैन है पर सबके मुँह पर राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, राजू मैडम राजू मैडम, क्या जादू कर रखा है आपने? सर ये काम का जादू है जी, ये पब्लिक की आवाज़ पे जी काम करना, यही तो जादू है जी। अगर काम नहीं है तो जादू ही नहीं है जी। आप जानते हो पब्लिक को काम चाहिए जी। क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी जी, लाइट, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए जी। तो ये जादू, ये काम का जादू कर रखा है। क्या टेक्निक आपने यूज कर रखी है ऐसी? टेक्निक तो ये आप उनको तो फोन ही नहीं करते, कई बार आपको कर देते हैं डायरेक्ट। उसका कारण ये कि मेरी पब्लिक बहुत समझदार है जी, मेरे वार्ड 27 की पब्लिक बहुत समझदार, वो जानते हैं कि फोन उसी को करना चाहिए जो काम करे। अच्छा, तो उनको ये पता है कि ये अनुभवी हैं अधिकारी, इनका मानते हैं और काम हमारा तत्कालीन हो जाता है, क्योंकि उनको तो कहते हैं पर ये करो वो करो, टालम टोल करते हैं, इसलिए उनको नहीं कहते होंगे। तो सरकार तो बीजेपी की है, पार्षद बीजेपी की है, आप कांग्रेस से पार्षद रही हुई है जी, आप काम कैसे करवा लेते हो ऊपर से? देखो मेरा ऐसा है कि मैं भली कांग्रेस से यहाँ पार्षद रही हूँ जी, पर एक्चुअली कि मैंने समभाव से काम किया वार्ड में जी। क्या बीजेपी का कार्यकर्ता, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता, दो आंखें होती, दोनों आंखें बराबर देखती, वो उस दृष्टिकोण से मैंने काम किया है जी। क्योंकि जीतने के बाद
अपन पब्लिक के हो जाते हैं जी। ये मेरे मन में अवधारणा है कि जीतने के बाद सब हमारे मतदाता हैं, सब हमारे हमारे वार्ड के वासी हैं, और हमारा दायित्व और हमारा ये नैतिक धर्म है और नैतिक कर्तव्य है कि हम इनका काम करें जी। जी, आपको पार्षद पद से उतरे हुए 10 साल हो गए हैं जी, और 10 साल तक जनता के बीच में, जबकि आपके वार्ड के भी 2-3 टुकड़े हो गए हैं जी, सब तरफ आप ये इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? देखिए सर, मेरे वार्ड 22 था पहले जी। उसके 3 टुकड़े हैं, वार्ड 26, वार्ड 27 और वार्ड 32 जी। तीनों वार्ड का जो समावेश होकर के वार्ड 22 था, उसके टुकड़े हो गए, 3 पार्षद बन गए, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ की दावेदार थी 27 की। अच्छा, ठीक है ना। उस समय किसी कारणवश मेरे पार्टी ने नहीं दिया टिकट, मेरे को नहीं दिया, इस वजह से किसी हमारे पार्टी की कार्यकर्ता को दिया, ठीक है। अब उसके बाद सोनिका जीती है तो पब्लिक ने उसको आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के बदले उनको काम करना चाहिए ना, मैं तो ये कहती हूँ। बिल्कुल सही बात, काम करना चाहिए, क्यों, काम की पूजा है आज के जमाने में, इंसान की पूजा नहीं है, काम की पूजा है, इसलिए काम करो। एक आखिरी सवाल है, वो कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और पूरे हिरणमंगरी की लाज रखने जैसा सवाल है। आपके वार्ड में जो पहले 22 था और अभी 27 है, आज भी वो जगह है जहाँ पे एक अटल थिएटर बना हुआ है जी, सब्सिडी सेंटर के पीछे, घाट बाजार के भी पीछे वाली साइड में, बिल्कुल हाँ, जहाँ ट्रांसपोर्ट्स के बसों के ऑफिस है जी, उसका क्या इतिहास है, वो कैसे बना है, और आज वो जो उसकी स्थिति है या खराब स्थिति है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए ऐसा, आप शुरू से बताइए उसका। उसका शुरू से ये है जी कि उस जमीन, वो जमीन पहले UIT को थी। अच्छा, UIT ने लेकर के निगम को हैंडओवर की जी। तो हमारी महापौर रजनी जी थी, तो रजनी जी और हम दोनों यहाँ आए, हमने उस जमीन को देखा, लेकिन मेरा समय काल उस समय पूरा होने आ गया जी। तो उसके बाद 2 पार्षद बने जी। तो वो जमीन तो UIT से नगर निगम में आई, नगर निगम को अलॉट हुई, अटल नाम रखा उसका। तो उसके बाद वो जमीन तो हमने दिला दी नगर निगम ने, मेरे महापौर रजनी मैडम ने, और हमने हमारे दोनों की सहभागिता से दिला दी जी। अब उसके बाद का काम कौन करेगा? अगला पार्षद करेगा। सतोरिया नाला मैंने बनवाया, आए दिन अंदर गायें घुसती है, गायें गिर जाती है जी। कई बार एक बच्ची भी गिर गई स्कूटी लेके, कुछ हुआ तो था काम नहीं, वो नी के बराबर हुआ है काम। उसको कहते हैं कि सतोरिया नाले के जिस तरह से दिवाली की तरफ 8-8 फीट की जालियां लगी हुई है, वो जालियां यहाँ लगनी चाहिए सतोरिया नाले पे जी, जी। ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं होवे। आप देखिए ये पूरा मेरे, वैसे तो मेरे वार्ड की जनता ने आपको सब बता दिया होगा, मैं तो सोनिका जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जगदीश जी के बारे में मैं, जनता बोल रही है ना सर, मैं क्या जी, बोलूं जी। अगर जगदीश जी का होता तो जगदीश जी का ही बोलते, मैं तो जगदीश से पहले की पार्षद हूँ, तो जगदीश जी से पहले उसके अटल थिएटर के लिए बहुत प्रयास किए जी, 1,60,00,000 रुपए उसके लिए पास करा दिए हाँ। टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और काम चालू होना था, शिलान्यास तक हो गया, वो पट्टियां बना के हाँ, लगा के आवरी माता मंदिर में रख भी दी हाँ। उसके बाद वो नगर निगम ने उसको कैंसिल कर दिया था हाँ। तो जगदीश जी के प्रयास भी आप मान सकते हैं, मेरी बात सुनिए, लेकिन उनके प्रयास में मानती हूँ, उनके प्रयास में उस कार्य को अंजाम देना नहीं। अभी जो उसकी हालत है जी, आज वहाँ पे लोग दारू पी रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, वहाँ पे बसों वाले शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्दुले असामाजिक तत्व वहाँ पे बैठ के झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं हाँ। उसका क्या बढ़िया यूज हो सकता है उस जगह का? उस जगह का जैसा नाम रखा वैसा काम होना चाहिए। अटल ओपन थिएटर है, काम हाँ। तो नहीं हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं उसका? आप कोई सुझाव बताइए कि मैं तो जिला प्रशासन को कह सकती हूँ, कलेक्टर साहब को कह सकती हूँ, क्या कलेक्टर साहब इस तरह की वो जमीन है, आज 1 इंच जमीन मिलना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों ने हमारे पार्षद समय में इतनी बड़ी हमने जमीन दिलाई, तो उस जमीन का विकसित करना, उसको डेवलपमेंट करना, आने वाले जो भावी पीढ़ी है, आने वाले जो वहाँ की पब्लिक है, उसका सदुपयोग करें जी। उसमें झूले लगाएं, उसमें अच्छा सा बगीचा लगाएं, फूल वाले पौधे लगाएं, इतनी बढ़िया जमीन दी हमने जी। और कोई ऐतिहासिक स्मारक भी लगे उसमें, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी चीजें जो कुछ पैसा कमाई हो, कमाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वो कीमती जमीन है, तो उसका उपार्जन भी होना चाहिए, कि किसी भी चीज को करने के लिए आर्थिक तो बहुत जरूरी है ना जी, जी। तो उसके लिए, और आप ये कह रहे हो कि हम जिधर जा रहे हैं उधर राजकुमारी मैनारिया, तो मेरे समय 3 पार्षद है, तो मैं तो 15 साल से जनता के बीच में हूँ, मैं जनता को छोड़ा भी नहीं,
मैंने किसी पार्षदों के भरोसे मैंने जनता को नहीं छोड़ा और मैं निष्पक्ष काम करती, मेरे सब अधिकारी मेरा काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। न मुझे कोई सोनिका जी से भी कोई ऐसा भेद नहीं है, और तो बस जनता में बीत रही जो जनता बता रही है, मैं उसमें मैं क्या करूँ। ठीक है, ठीक है। ये राजकुमारी जी मेनारिया थी, पूर्व पार्षद, जो रजनी जी डांगी के बोर्ड में वार्ड 22 की पार्षद रही थी, और वर्तमान में इनका आपने हमने लोगों के रिव्यू दिखाए और उन्होंने राजकुमारी जी का जितना नाम लिया उतना वर्तमान पार्षद का नहीं लिया, और इन्होंने रीज़न भी बताया कि किस तरह जनता के दिलों में राज किया जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ में परशुराम कॉलोनी विकास समिति के चेयरमैन हैं, जो पूर्व में पार्षद भी रहे हुए हैं, राकेश जी पोरवाल। हम इनसे बात करेंगे, वार्ड 27 में दिन भर रहते हैं, इनका व्यापार भी यही है, तो बहुत ज़्यादा इस वार्ड के बारे में ये जानते भी हैं, तो इनसे प्लस माइनस इस वार्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पिछले 5 साल का जानने की कोशिश करते हैं राकेश जी से। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि वास्तव में उदयपुर शहर में प्रत्येक वार्ड में आप और मनु जी और मयूर जी सब पूरी टीम लग के प्रत्येक वार्ड में जाकर आम जनता की नब्ज टटोलने का काम जो आप कर रहे हो, वास्तव में ये कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि है उनके हित के लिए है और आम जनता के हित के लिए तो है ही, परंतु वास्तव में अगर आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो चौथा स्तंभ आम जनता को जागरूक करता है, जनप्रतिनिधि को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, इसलिए हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। और रही बात यहाँ वास्तव में जो वार्ड 27 नगर निगम का हमारा जो क्षेत्र है स्वामी नगर 100 फीट रोड वाला क्षेत्र, ये है, ये मेरा कर्मस्थली कहें या मेरा व्यवसाय यहीं पर है, तो लगभग 24 में से 13-14 घंटे मैं यहाँ बिताता हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ सब लोगों से एक जुड़ाव और आसपास के लोगों से एक यूँ कह सकते हैं कि मिलना जुलना रेगुलर मेरा रहता है। वास्तव में इस क्षेत्र में जो हमारे पार्षद महोदय हैं सोनिका जी, उन्होंने काम करने का बहुत अच्छा सकारात्मक प्रयास किया है, परंतु मैं कहूँगा कि एक वार्ड के पार्षद की जो माने हम कभी इस हिसाब से भी या बोर्ड की भी हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का 6ठा बोर्ड जो हमारा यहाँ आया है उदयपुर शहर में, परंतु कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से जो वैश्विक महामारी थी उसका हमको दंश जो झेलना पड़ा, लगभग 1.5-2 साल का जो कार्यकाल था उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, इस वजह से कहीं ना कहीं काम इफेक्ट हुआ है, इस बात को स्वीकार करने में कहीं संकोच नहीं है। और दूसरी बात, इस विशेष तौर से इस वार्ड क्षेत्र की बात करें तो मैं जो जानकारी मेरे पास है जो 3-4 जगह यहाँ पर जो हमारे पार्षद महोदय के द्वारा नगर निगम के माध्यम से शेड का निर्माण करवाए गए विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, उसके अलावा जो दैनंदिन कार्य है भाई स्ट्रीट लाइटों का काम है, साफ सफाई का काम है, नालियों की रिपेयरिंग का काम है, उसके अलावा सड़क निर्माण काम, ये सब जो ये दैनंदिन काम तो जो नेचुरल हर समय चलते ही चलते हैं, तो वो सब काम तो निश्चित रूप से किए गए। हमारी 100 फीट रोड यहाँ पर, ये 100 फीट रोड पर एक कारपेटिंग भी वापस की गई है, डिवाइडर वगैरह सब किए गए, काम तो देखो नेचुरल नॉलेज ही चल रहा है, परंतु अभी निश्चित रूप से कहेंगे कि सीवरेज का काम होने की वजह से आम जनता में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि अव्यवस्थित काम जो हुआ है, जो जो यहाँ के जो अधिकारी हमारे हैं स्मार्ट सिटी के, उन्होंने कि जो वास्तव में जो प्लांड वे में जो काम करना था वो नहीं कर पाए, इस बात की मुझे भी शिकायत रहेगी कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने काम वास्तव में सही नहीं किया और उसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ रहा है। सुनने के लिए तो जनप्रतिनिधि है और काम अधिकारी करें और सुनना जनप्रतिनिधि दबाव बनाते हैं, सब कुछ कह सकते हैं उनको, पर काम तो अल्टीमेटली कर्मचारियों को ठेकेदार को ही करना है। अपने घर में भी अगर कोई काम होता है ललित जी तो निश्चित रूप से काम बिखरता है, तो कहीं ना कहीं गंदगी भी होती है और एक तरह से अव्यवस्था भी फैलती है, तो वो होता है, थोड़ा बहुत सफर हमको करना पड़ेगा, पर स्मार्ट सिटी में अगर ये सीवरेज वाला प्लान अगर सक्सेसफुल है हमारा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे क्षेत्रीय पार्षद सोनिका जी ने उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम करने का पूरा प्रयास किया और लोगों से मिलना जुलना और जो भी काम जो जनता ने आम जनता ने बताया जो काम हो सकते थे वो किए गए हैं। और विशेष तौर से जो मेरी जानकारी में है, पानीपुर की मादड़ी में एक सड़क का सेक्टर 8 से लिंक वाली रोड का मुद्दा था तो बहुत सालों से अटका हुआ था, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक तरह से कहें कि अपने ऊपर लेके उस चीज़ को और बड़ा संघर्ष करके उस रोड को बनवाया है, तो उसके लिए मैं निश्चित रूप से उनको भी बधाई दूंगा और क्षेत्रवासियों ने भी जो सामंजस्य बिठाया, क्षेत्रवासियों ने भी उनकी मदद की, उसके लिए उनको भी आभार मेरी ओर से दूंगा। आप पिछले बोर्ड में आप पार्षद भी थे और लगभग 10 साल से परशुराम चौराहे ये डेवलप हुआ है अच्छा सा और दिनों दिन बेहतर होता जा रहा है। पूर्व पार्षद जगदीश जी भी थे, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी प्रयास किए, नाले वाले टकवाने के लिए वगैरह, पनगट वगैरह लगाए, ये चीज़ें हुई। आपको
सोनिका जी को भी चले वो नहीं है, पर उनके पारिवारिक परिवेश में राजनीति कोई नई चीज नहीं है। शंभू जी बहुत पुराने राजनेता है और अनुभव उनको मिलता ही है उस चीज का। आप पिछले 10 साल में कुछ ऐसी चीजें जो अब भी मतलब यूं लगता है कि यार ये चीजें अब आने वाले समय में या इसी बोर्ड में अभी भी 2-3 महीने हैं, इस व्यापार के दृष्टिकोण से इस रोड पे हो जाए तो कैसा रहेगा, क्या चीजें हो सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे जहन में है 2-3 चीजें ललित जी है। एक तो हमारे ये 100 फीट रोड जो लिंक हो रही है माली कॉलोनी से, तो यहाँ पर 2 पैचेज हैं जहाँ पर कच्चा क्षेत्र जो 100 फीट रोड डामिरकरण होना चाहिए था वो रुका हुआ है, परंतु उसमें हमने भी प्रयास किए। पूर्व में जो रामनिवास मेहता सेक्रेटरी साहब थे यूटी के, उनको भी मौके पर लाए, आदरणीय कटारिया जी उसमें गृह मंत्री थे, उनको भी बताया, उनको भी मौके पर लाए, परंतु कहीं ना कहीं देखो न्यायपालिका से आगे हम लोग नहीं है। ये दोनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में होने की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जो भी लोक सेवक हैं जो अधिकारीगण हैं उनसे एक व्यक्तिगत रूप से समझे, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते भी समझे, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ इस चीज को हाथोहाथ लेकर, और जो भी जो खातेदार है जिन्होंने निश्चय ले रखा है उनसे समझाइश करके समझौता वार्ता करके इस रोड को क्लियर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये रोड वास्तव में पूरे एक तरह से कहेंगे उपनगरीय क्षेत्र को एक मतलब ये डिसकनेक्टिंग करने वाली रोड है, जहां से कनेक्शन यहाँ से यहाँ माली कॉलोनी का बैठ रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का अगर वास्तव में ये 2 पैचेज अगर हट गए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा पूरे क्षेत्र का। जो हमने हमारी जो योजना थी, हमने जो सोचा था उस समय, ललित जी मैं इस रोड के पीछे बहुत बड़ा माली कॉलोनी वाली रोड, बस स्टैंड के पीछे वाली रोड, इन रोडों के लिए मैंने बहुत अधिक प्रयास किए, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय कटहरा साहब का और हमारे जो यूटी सेक्रेटरी रामनिवास जी मेहता का, उन्होंने इन सब चीजों को हाथों हाथ लेकर और उन्होंने बड़ा बड़ा बीड़ा उठाकर ये रोडे बनवाई। दूसरा ललित जी सब्सिडी सेंटर योजना, जो यूं कहें यूडीए की एक महत्वाकांक्षी योजना, दिल्ली में कनॉट प्लेस के समकक्ष जो योजना बनाई गई, पर उतने साल बीतने के बाद भी आज भी वो अपना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। केवल 100 फीट रोड और 100 फीट के आसपास डेवलपमेंट हुआ है, वहां कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वहां एक तरह से कहें व्यापार जोन विकसित हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि भाई जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को शीघ्रता शीघ्र यूटी पूरा करे। यूटी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि यूटी की प्लानिंग है, ये प्लानिंग यूटी की है, यूटी को डेवलपमेंट करना है और करना था। सब्सिडी सेंटर शायद इसमें आ गया, वो जो आप कह रहे हो सब्सिडी से पहले जो अंदर थिएटर है वो ओपन थिएटर नहीं, नहीं वो बताऊं मैं आपको, सब्सिडी सेंटर योजना ललित जी अभी भी यूडीए के पास ही है। अच्छा। उसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूडीए की है, कोई भी जिम्मेदारी नगर निगम पे केवल अधिकारी थोपने का काम करते हैं वो ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आप हुए, सत्यनारायण जी मोची हुए, जगदीश जी मैनारिया हुए, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, सोनिका जी है, शंभू जी पुराने नेता है, देवीलाल जी इधर रहते थे, अभी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वो इतने बबड़े नेताओं की सौभाग्य से इतनी 2-3 चीजें इस वार्ड में आ गई, जैसे अटल ओपन थिएटर हुआ, सब्सिडी सेंटर का एरिया हुआ, या फिर ये जो नया परशुराम मार्केट डेवलप हुआ, जो हिरणमंगरी का आपके लिए एक नया ऑप्शन तैयार हुआ, यहाँ के लोग अब हिरणमंगरी नहीं जाते, तो इतने लोगों की जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक पार्षद के साथ मिलके हम इस एरिया को डेवलप करने। अब मैं सारी सबकी सत्यनारायण जी या जगदीश जी की बात तो आपसे नहीं कर पाऊंगा, पर आप अपने तरफ से क्या प्रयास? नहीं बिल्कुल ललित जी, मैं बताऊँ आपको कुछ समय पहले लगभग 1-1.5 वर्ष पूरी अपने जो सब्सिडी सेंटर एक्सटेंशन स्कीम है ABC ब्लॉक जी, जो यहाँ काफी बड़ा क्षेत्र है, उसका सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर मुझे एक अध्यक्ष की एक तरह से मनोनयन किया, उन्होंने मुझे दायित्व दिया और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया जी। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल में ललित जी मैंने प्रयास करके और हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद सोनिका जी के सकारात्मक कहें प्रयास से हमने उस क्षेत्र में नालियां भी बनवाई, सड़कें भी बनवाई, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई, और अभी एक लेटेस्ट में एक पार्क का जो वहां पर है उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर बिल्कुल उसका टेंडर हो चुका है। नहीं वो नहीं सेक्टर 8 नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके परशुराम जो कॉलोनी, परशुराम चौराहे के जस्ट पास में राइट साइड में जो कॉलोनी है वहां पर भी एक पार्क है, उस पार्क के डेवलपमेंट का काम भी हमने टेंडर भी लग गया है और उसका वर्क ऑर्डर भी 2-4 दिन होने वाला, वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मैंने मेरे प्रयास भी किए हैं, और दूसरा यहाँ पर जो सब्सिडी सेंटर का जो सर्किल है आप देखेंगे इनकम टैक्स ऑफिस के पास में सर्कल बन रहा है, हमने अधिकारियों को भी अवगत कराया, तो आप अभी देखेंगे कि वहां पर बहुत अच्छा मतलब साफ सफाई और पूरा उसको चौराहे को डेवलप करने का काम जो वर्तमान में चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में 4 चंद उस चौराहे के डेवलप होने से भी लगेंगे। और पुराने समय में भी जगदीश जी जो हमारे मीनारे पार्षद जी थे, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे होटल के पीछे कच्चा जो एरिया था वहां पर नाला था और कच्ची रोड थी, हमने हमारे एक मतलब आग्रह पर जगदीश जी ने उस रोड का निर्माण उस समय करवाया,
और वो जो रोड से आज पूरे खोला निवासी बहुत अच्छे से मतलब वहाँ जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। बाकी पानी में रहते थे, पानी में आना जाना था, कच्ची रोड थी, कीचड़ में गिरते थे, तो वो काम भी उन्होंने किया और सोनिका जी ने भी काम करने का प्रयास किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में जो नए डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे घर बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये डिमांड भी आई है कि आप यहाँ पे सोनिका जी के पास में अच्छा मौका भी है, वहाँ पे कुछ बन जाए सड़क। देखिए ललित जी, मैं इस बात में जनता देखो हमारी है, उदयपुर शहर पूरा हमारा है, इसके डेवलपमेंट का जिम्मेदारी हमारी है और जनप्रतिनिधित्व है उनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है। परंतु कहीं ना कहीं आप ये भी माने कि एग्रीकल्चर में अगर प्लानिंग करके प्लॉटिंग करके अगर मकान बन रहे हैं, जो मेरी जानकारी में है, निश्चित रूप से वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो नियम और जो कह सकते हैं कि जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसमें एग्रीकल्चर में सड़क बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यूएटी भी नहीं बना सकती है, नगर निगम भी नहीं बना सकती है। फिर भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जनता की सुविधा के लिए कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो रोड और नाली का निर्माण वहां पर हो जाए। तो ये पूर्व पार्षद राकेश जी पोरवाल थे और यहाँ परशुराम विकास कॉलोनी है, उस समिति के ये अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मतलब आप सबको बताया कि ये किस तरह से पार्षद को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और करते भी हैं और कर ही रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े दिल की बात होती है कि एक जो पूर्व पार्षद है जो किसी और वार्ड से पार्षद रहे हैं लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में जो अपनी ही पार्टी के पार्षद हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे खुल के सामने आते हैं। नमस्कार, तो आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड 27 की पार्षद डॉक्टर सोनिका जी जैन के साथ। सोनिका जी, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको उदयपुर चैनल और उदयपुर वालों की तरफ से आपके बेटे के लिए बहुत बहुत बधाई, आपके घर में नया मेहमान आया। थैंक यू सो मच। सोनिका जी, हम पिछले कुछ घंटों से आपके वार्ड में थे और आपके वार्ड में रिव्यू जाने पब्लिक के, किस तरह का आपका कामकाज रहा है, हमें सब तरह के रिव्यू मिले हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वार्ड में LNT के काम की वजह से लोगों का दुख, जिसमें पब्लिक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि दोषी कौन है। क्या कहेंगे आप इसे? बिल्कुल ललित भैया, सबसे पहले मैं उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इस रेनी सीजन में जहाँ पर लाइक मोस्ट नेसेसरी वर्क होता है, लाइक हॉस्पिटल या फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, वहाँ पर लोग निकल के काम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क और आप कवर कर रहे हैं इसलिए आप इतनी बारिश में भी आप घूम रहे हैं और पूरा कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। LNT का वर्क लोगों ने बोला तो जायज़ ही होगा, बिकॉज क्या हुआ कि अभी अमृत योजना में जो LNT का वर्क जो चला है, बहुत सी जगह जहाँ पर था बीच के चैम्बर बन गए और वहाँ पर रोडे बन गए। मेरे खुद के घर के बाहर, क्योंकि लास्ट में आया था और बारिश का सीज़न चालू हो गया, तो वो खड्डे हैं तो वो खड्डे ही रह गए हैं। मैं ये ज़रूर प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा बड़े खड्डे हैं वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और वो गिट्टी डलवा करके एक बार उसको समतल करवा रहे हैं। बाकी अन्यथा उससे पहले चाहे पानेरू की मादड़ी हो गया, संतोष नगर हो गया, आवरी माता हो गया, स्वामी नगर हो गया, मेरे खुद के घर के बाहर लाइक ऑलमोस्ट पूरे एरिया में सब जगह पर जैसे जैसे डिमांड थी उस हिसाब से रोड बनवाई है और आप खुद उसके साक्षी हैं। जी, जैसे आपने कहा कि LNT वाले उसको वापस कवर करते हैं, यहाँ पे पब्लिक ये कह रही है, मैंने देखा भी है, वो सिर्फ ऐसी मिट्टी डाल रही हैं जिसपे पानी भरने के बाद वो वापस बैठ जाती है। और अभी हमने मतलब जब हम कवर कर रहे थे तो अब हमारे सामने ही आप देखना पूरा कार्यक्रम, उसी टाइम हादसा हुआ था, एक ऑटो निकल रहा था और उसका पूरा का पूरा पहिया उसके अंदर धस गया। उसने कहा कि इसको निकालने के लिए मुझे अब JCB मंगानी पड़ेगी और मुझे इतना खर्चा इसके लिए पे करना पड़ेगा। कई बार अपन ये तो मानते कि खुदा है, रोड चैम्बर डाल दिया, पाइप डाल दिया, अब उस पर एक बार मिट्टी डाल दी और जैसे ही उनको टाइम मिलेगा उस पर वो कवर कर देंगे। लेकिन वार्ड में लोग कह रहे हैं कि कई बार तो एक एक महीने, दो दो महीने तक, ये चीज़ें जो सबसे अच्छा वार्ड आपका सेक्टर 8 था वहाँ पर भी थी, एक एक महीने तक उन पर वापस उसको डामरीकरण नहीं किया। और आज वो सिचुएशन, क्योंकि सावन महीने में तो बारिश हुई नहीं ज़्यादा, अब पिछले 5-6 दिन से बड़ी बारिश हो रही, तो अब लोगों को वो महसूस हो रही है। बिल्कुल, जो समस्या है वो जायज़ है, उसमें डिले क्यों हो रहा है? डिले ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर लोगों की बात आई थी कि यहाँ पर खड्डे हो रहे हैं या यहाँ पर फिसलन हो रही है, वहाँ पर उन सभी जगहों पर मैंने मेरे जहाँ से समस्या आई है लोगों ने बताया, क्योंकि मेरा अभी बेबी हुआ तो मैं ज़्यादा दौरा नहीं कर पाई वार्ड में, इसलिए जैसे जैसे लोगों की समस्या आती गई फ़ोन पर, मैंने हमेशा लोगों को वहाँ पर सीवरेज वालों को बोल करके वहाँ पर मिट्टी डलवाई है, या फिर हो ये सकता है कि शायद उन्होंने खोदा होगा। बाकी इंजीनियरिंग वर्क क्या होता है मैं नहीं समझती, उसमें इतना हुआ ये होगा क्योंकि मिट्टी खोदी है तो अंदर से आप चाहे ऊपर कितनी भी मिट्टी डाल के एक बार दबा दो, लेकिन बारिश का समय होगा तो उसके अंदर वो बटोबे सी बात है कि वो
नीचे से फिसलेगा। और जहां तक अगर आपने मुझे बताया तो मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि ऐसी कोई जगह है जहां पर अगर किसी को धन हानि तो हुई है लेकिन जन हानि हो उससे पहले आपने मुझे बताया तो मैं निश्चित तौर पर कल ही उस समस्या का समाधान करवाऊंगी। नहीं, दबने का इन द सेंस कोई भी चीज डालोगे तो एक बार तो दबेगी, बिल्कुल बिल्कुल, पर एक तो होती सॉफ्ट मिट्टी जिसमें आप पैर रखोगे तो आपका पैर पूरा अंदर चला जाए, एक हार्ड चीज होती है जिससे सिर्फ वो दबेगा लेकिन पैर अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में भर के ऐसी मिट्टी लाके उस पर डालिए कि अगर आप उस पर पाँव रखोगे तो पाँव पूरा का पूरा, और ये चीज मैं उसी टाइम देख के आया हूँ, आप भी देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये वाकई में उस जगह जो अपना अटल ओपन थिएटर है उसके बाहर जो ट्रांसपोर्ट वाला मार्केट है, जो ट्रैवल्स वाले और ट्रांसपोर्ट वाले उनके सामने की बात है ये, और ऐसी चीजें और भी कई जगह हैं। वैसे कॉलोनी में ये चीज नहीं थी, तो इस पे आप क्या, आपको नहीं लगता है कि ये एक बार डामरीकरण फटाफट हो जाए क्यों बारिश? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कल ही उससे बात करके वहाँ पर एक बार WBM करवा देती हूँ, क्योंकि अगर वो मिट्टी डालिए तो बट ऑब्वियस सी बात है चाहे व्यक्ति जाए या गाड़ी घोड़ा कुछ भी जाए वो फिसलेगा ही वहाँ पर, तो मैं एक बार वो गिट्टी का और सीमेंट का थोड़ा मिक्सचर करवा करके मैं कल ही इसको करवा दूंगी। और थैंक यू सो मच ही बताने के लिए मुझे। एक चीज और थी, मतलब देखो जिन्होंने जिस जो फील किया वो अपनी तरफ से बात बताई, पर हम उसका एक सारांश लेके आपसे इसलिए बात करते हैं कि कोई बात ऐसी आ गई कि यार इस पर मेरे भी तो आप जवाब ले लेते, तो आपका जवाब जानना जरूरी होता है। अब जैसे अब कुछ 5 साल पहले अपन ने एक बार अटल ओपन थिएटर की बात करी थी, हमने पता लगाया कि ये रजनी जी डांगी के टाइम में वो ज़मीन अलॉट हुई थी, उसके बाद चंद्र सिंह जी कोठारी के समय इस पर कई डेवलपमेंट के लिए बजट आए थे, ठीक है, आपसे मैंने किसी और जनरल के माध्यम से पहले भी बात करी थी इस मैटर पर, पूर्व पार्षद से भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि इसका नाम अटल ओपन थिएटर रखा और इसे मिनी सुखाड़िया सर्कल की तर्ज पे, यानी जो अपना सुखाड़िया सर्कल है वैसा का वैसा ही एक और सुखाड़िया सर्कल यहाँ पे डेवलप करना। सुखाड़िया सर्कल जो मेन है वो आज एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है, उसके ठीक उलट हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। 1.5 करोड़ 60 लाख रुपये पिछले बोर्ड में जब निर्माण समिति में ये थे, पारस जी थे ना पिछले में, हाँ ठीक है पारस जी थे, उस टाइम में पास हुए, शिलान्यास भी हो गया, टेंडर हुए थे, वर्क ऑर्डर हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, और ऐसा कुछ निगम, ऐसा सुनने में आया कि कुछ निगम के अंदर अंदर बात हुई कि बजट कम होने की वजह से हमें कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल करने पड़ेंगे, और उसी की पैंट चढ़ गया अटल ओपन थिएटर। आज हम देख के आए जो 5 साल पहले स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर थी, अभी कुछ आपने काम भी कराया था उसका मैंने देखा है, ठीक है, जो काम किया है हम आपकी चैनल के सामने मुक्त कंठ तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने सीवरेज का काम भी वहाँ आपके अंडर में ही हुआ है तो वो भी अच्छा हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि इतनी बड़ी जगह, और आप, मैं आपको लकी मानता हूँ कि आपके वार्ड में इतनी बढ़िया जगह है, उस वार्ड के आसपास ना तो कभी कोई बढ़िया मार्केट डेवलप हो पाया, ना उस अंदर वाली जगह से हम कोई रेवेन्यू ले पाए। बिल्कुल ललित भैया, इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो 160 नहीं 120 CR सेंक्शन हुए थे, वो बजट कम की वजह से नहीं, पिछले कार्यकाल में हुए थे तो शायद कुछ रीज़न रहा होगा, इस वजह से उसको थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि महापौर जी स्वयं यहाँ पर मौका देखने आए थे, आता UIT के अंडर है अभी वाले महापौर जी, हाँ जी। वो आए थे मौका देखने, मैं स्वयं भी थी और ताराचंद जी भाई साहब भी आए थे जो वो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, जी, जी। बिल्कुल वो आए थे मौका देखने के लिए यहाँ पर। उसके बाद डेवलपमेंट को लेकर के जो हमारी चर्चा हुई वो ये थी कि जो बजट था वो थोड़ा हाई जा रहा है डेवलपमेंट में, तो हम ये सोच रहे थे कि अगर इस पार्क को कोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि अगर उस पार्क को कोई गोद लेने वाला हो, हाँ कोई भी प्राइवेट, हाँ है ना, तो कोई भी उसको अगर गोद लेने वाला हो तो पूरा डेवलप हम करा करके दे देंगे उसको, और सिर्फ मेंटेन उनको करना है, और निश्चित तौर पर ये जो डेवलपमेंट का कार्य है, इसके अलावा अभी UIT में मेरी बात हुई थी उसके आसपास चारों तरफ पौधे भी लग रहे हैं जी। और एक एक पौधा भी वो 88,000 का है, लाइक बड़े अच्छे उसको डेवलप कराने के लिए UIT से वो पौधे लग रहे हैं। और उसके अलावा उस पार्क को डेवलपमेंट का है तो एक अपना ये अटल पार्क और एक अपने परशुराम कॉलोनी है, वहाँ पर दो पार्क है जो भी सेंक्शन हुए हैं, वो निश्चित तौर पर बारिश के बाद वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अगर उसको गोद भी लेना चाहे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पूरा उसको डेवलप करा करके हम देंगे, आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना है और जो भी नेसेसरी चीज़ उसमें लगेगी वो सारा एक्सपेंसेस वो पूरा डेवलप करा करके हम उसको हैंड ओवर करेंगे। देखिए आज हमने अंदर की साइड में दौरा किया था, हम गए थे
उतनी ख़राब स्थिति नहीं है जो 5 साल पहले थी, जो पहले अंदर बोतलें रहती थी, शौचालय टाइप हो गया था, वो बहुत जंजाल था। आज कुछ खुलापन था और सबसे बड़ी चीज़ जो थिएटर वाला पार्ट था वो बिल्कुल साफ़ था। असामाजिक तत्वों का भी इस बार मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा वहाँ पे कि बैठ के दारू पी रहे हैं या इस तरह के। बाहर की साइड में और स्पेशली इस रोड वाली साइड में, इस वाली साइड में जो दो लाइनें हैं वो बनी हुई वहाँ पे, शमशान वाली साइड पे नहीं, शमशान पीछे वाली साइड है या इधर वाली, ये जो बीच में नाले की साइड वाली, ठीक है, जो बीच वाला रोड आ रहा ना सीधा सीधा, वहाँ अंदर आती लेफ्ट मुड़ते ही इतना कचरा पड़ा कि इतना मतलब डंपिंग यार्ड में भी नहीं होता होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग वहाँ से भर के वहाँ खाली कर रहे हैं। क्या आपके सफाई कर्मी आपकी ध्यान में नहीं है और वार्ड का कचरा ले जाके वहाँ डाल रहे हैं? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया। नहीं, आपको कोई बात नहीं, आपकी अभी अपनी निजी समस्या से आप रुके हुए थे, पर अब आपको इस चीज़ पे एक बार दोहरा करके बिल्कुल बिल्कुल देखिए, क्योंकि हम अगली नगर निगम चुनाव में वापस एक बार इस वार्ड का करेंगे, हो सकता है हम कॉमन करें, कुछ भी करें, पर आपको संज्ञान में नहीं है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ स्थिति ये हो गई है कि इतना कचरा है कि वो एक दिन का या एक महीने का कचरा नहीं है, जैसे साल भर का कचरा हो। तो बहुत टाइम से आप जा भी नहीं पाए होंगे, ठीक है, लेकिन क्या स्थिति हो सकती है इस तरह की? सुअर बैठे हैं वहाँ पे, सुअर लेटे हैं मस्ती से, जैसे बहुत सालों से वहीं रह रहे हो, ये मतलब उस जगह की हालत है। बिल्कुल, मैं उसको कल वो अभी बोल दूंगी, मैं कल और परसों में वो पूरा क्लीन हो जाएगा वहाँ पर। मतलब अब आपको टाइम मिला है तो अब आप घूम सक रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं जाकर के मौका निरीक्षण करूंगी। ये तो हमने आपके वार्ड की समस्याएं जो पब्लिक से जानी और कुछ हम खुद भी देख के आए उन पर हमने बात की, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है कि आपने 4.5 साल तक जो अच्छे काम किए और आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो वो आप अपनी तरफ से बता सकते हो कि मैंने कुछ ये काम है जो या तो मेरे पुरले वाले पार्षद ने भी किए या उनसे रह गए वो मैंने किए, ये मैंने कुछ नए किए। बिल्कुल, लाइट सड़क नाली ये तो ठीक है, नॉर्मल है, इसके लिए आपको बनाया है। हाँ, ये नॉर्मल है और ये हमारी ड्यूटी है करना। उसमें मुझे लाइक कहीं पर नाली बनवाई तो मुझे वाई करवाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने नाली बनवाई, बिकॉज इट्स माय ड्यूटी। जो मेजर काम जो है, मेजर कामों में मैं कहना चाहती हूँ कि आवरी माता में एक पानी की टंकी के पास लंबे टाइम से एक महिला स्नानघर की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी होती थी तो महिलाओं को ऐसे खुले में स्नान करना पड़ता था। वो इसलिए भी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि उस मंगरी पर किसी और का कब्जा था, उनके पास नहीं थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए लाइक जब से बस्ती बसी थी तब से लेकर के अभी तक के। मैं खुद UIT में मैंने एक महीने तक चक्कर काटे, तब से लेके अब तक के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। और जब हम उस स्नानाघर को बनवाने के लिए गए तब भी हमारे ऊपर पत्थर फेंके, हमारे ऊपर त्रिशूल धनुष से वो बाण भी चला। कौन थे ये लोग वहाँ पर जिनका कब्जा था? जी, करीब 50 से 100 महिला हम सब बैठ कर के वहाँ पर बैठी रही सुबह से लेकर शाम तक है। फिर हमने उसकी नींव रखवाई है और उसके बाद भी वहाँ पर आकर के लोगों ने लाल झंडे लगा दिए थे, वो मैंने खुद ने उखाड़े हैं वहाँ से। और ठेकेदार खुद 3 बार चला गया था कि मैडम ये मेरे को मार देंगे तो मैं काम कैसे करूँगा। तो अंतोतगतवा करके हमने वो महिला स्नान कर बनवाया। तो निश्चित तौर पर वहाँ की महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतने संघर्ष के बाद बना और इतने टाइम के बाद बना है। एक तो ये है और दूसरा आवरी माता में 2-3 जगह पर शेड निर्माण का कार्य करवाया है जो लंबे समय से था। बहुत से शेड निर्माण ऐसे भी है जहाँ पर लाइक थोड़ा जमीन के लेवल पे था तो गाय और कुत्ते आके बैठते थे। शिव जी का मंदिर था तो लोग हमेशा बोलते थे कि मैम यहाँ पर, जब मैं वार्ड के दौरे पर भी जाती थी तो भी बोलते थे, तो वहाँ पर भी दीवार उठवा करके लोहे की फाटक लगवा करके। और छत पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कितने ही शेड ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आप नीचे से पूरा कर देते हो लेकिन ऊपर छत पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता है। तो बारिश के दिनों में पूरे वो नल वगैरह नालदे होते हैं, वो चौक हो जाते हैं, तो वो सीढ़ी लगवा करके पूरा उसको कम्प्लीट करवाया। एक और था आवरेश्वर महादेव जी का मंदिर, वहाँ पर भी पूरा शेड निर्माण करवाया ऊपर छत डलवा करके। सेक्टर 8 में भी हमने बहुत टाइम से कॉलोनी वालों की मांग थी तो वहाँ पर पार्क का विकसित करवाया, जिम लगवाया, उसके अलावा हाँ मंदिर में, और वहाँ पर भी हाँ शेड निर्माण बिल्कुल आपके वहाँ के वासिंदों ने बोला है ये चीज़। हाँ, जिम के लिए आपको क्रेडिट दिया है उन्होंने बाकायदा और तारीफ की है इसकी। और उसके अलावा एक पानेरियों की मंदिर से लेकर के सेक्टर 8 तक एक लिंक रोड का निर्माण करवाया है। रोड कहने में ठीक है मेरा काम है, बट उसके लिए मेरा जो संघर्ष था वो करीब तिलक नगर में निकलता है जो बिल्कुल
मेरा एक साल का संघर्ष था उसमें मेरे कार्यकर्ताओं ने हमें बहुत सही सहयोग किया, मेरा भूपेंद्र जी ने, तिलक जी ने, इन सब ने बैठ करके समाजजनों के सामने साथ में बैठ करके हमने मीटिंग करी बहुत टाइम तक लंबे समय से। उधर वो आपके टीचर भी हैं, उन्होंने भी लाइक अपनी जमीन में से 5-5 फीट जगह दी है मुझे और बोला कि मैम आप ये लिंक रोड बनवा दो। उस लिंक रोड का इतना तक था कि पूर्व पार्षद ही नहीं बना पाया, तो आप किस खेत की मूलियों से यहाँ पर बना दो। हाँ ऐसी बातें हुई थी और बहुत सी बातें हुई थी, कुल मिलाकर के वो लिंक रोड बनी है तो काफी आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि भले गलियाँ छोटी छोटी हैं पर कई बार क्या वो प्लस बन जाते हैं, इस गली से यूँ निकलना और इस गली से इस निकलना। तो जैसे सेक्टर 8 के जो पंडित पराठा वाले सामने वाली गली है उसमें पहली गली इधर से आपके पार्क की तरफ से नीचे उतरते हैं और इधर लक्ष्मी नगर की तरफ जाते हैं, इधर हनुमान जी मंदिर के पंडित पराठा वाला रोड है, वहाँ पे डेयरी के सामने आए दिन छोटे मोटे कोई कोई लोग आपस में भिड़ते रहते, टकराते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, क्योंकि आप हाईवे से जैसे आदमी अंदर घूमता है ना उसकी स्पीड रहती है, वो धीरे एकदम नहीं होता है। बिल्कुल ये तो ये वार्ड वासियों की मांग थी कि यहाँ पे बैरियर्स बने, कुछ एक दो जगह और भी थे बैरियर्स की बातें हुई, इस पे कुछ कहना है तो नहीं तो मैं अगला सवाल। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे बोला भी था वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए, जो समस्या है वो वाजिब है, मैंने बोल भी रखा है JEN को, और वो क्या प्लास्टिक वाले स्पीड ब्रेकर लगने थे तो उसका क्या वर्क ऑर्डर होता है जी। तो शायद अभी हो गया है उसका, मेरी कल परसों बात हुई थी स्पीड ब्रेकर को लेकर, वहाँ पर भी है इवन दो यहाँ परशुराम चौराहे पर, मैं खुद बोल रही हूँ आपको, यहाँ पर भी एक्सीडेंटल जोन बनता है, वो क्या सड़क बनी है तो स्पीड ब्रेकर सारे उसके अंदर दब गए। तो प्रोबेबली शायद इस बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा स्पीड ब्रेकर का भी। परशुराम चौराहे पे दो चीज़ें हैं, एक तो पनेरी की मालड़ी से इस चौराहे की तरफ आते समय एक जो बीच में टी बना रखी है डिवाइडर के लिए, वो बिल्कुल टी इस तरह जा रही है कि उधर से आने वाला आदमी यूँ आएगा और फिर यूँ मुड़ेगा वापस, मतलब कुल मिला के वो बैलेंस नहीं है। नहीं। ये किसी ने पब्लिक ने मुझे पर्सनली कहा था, कैमरे पे नहीं कहा था, मैंने आपको डाल दिया जो पॉसिबल हो। उसके सिवा एक लंबे समय से मांग थी कि जो परशुराम चौराहा है फरसा लगा हुआ है उसके पीछे एक लाइट का जो 32 KV का वो 132 नहीं खंबा जो लगा हुआ है, लाइन है पूरी वहाँ। अच्छा। उस लाइन को हटाने के लिए जगदीश जी मेनारे के टाइम पर भी बात आई थी, क्योंकि ये इसी टाइम के हैं ज़्यादा, जगदीश जी मेनारे के टाइम पर वो जो चौक बना था उसके बाद की बात है। तो लोगों का कहना है कि ये पार्षद को देखना चाहिए कि ये अगर एक पूरे समाज की तरफ से उठी हुई मांगे आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, बट ये लंबे समय से मांग है, मुझे भी ध्यान है इस चीज़ की, वो खंबा वहाँ से हटवा के साइड में करवाना है। निश्चित तौर पर आपने बोला है तो मेरे सामने कितना मुश्किल काम है या इतना टफ है क्या ये जो नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि दूसरी जगह पर अगर जगह मिल जाएगी उसको शिफ्ट करने की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मकान या मेरे घर या मेरे प्लॉट के सामने खंभा नहीं आए, वाजिब सी बात है। आपकी भी अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी होगी तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा उसके सामने आए, तो निश्चित तौर पर मेरे अगर आपने संज्ञान में लाया है तो मुझे नहीं ध्यान था, मैं बात करूँगी RSCB में और वहाँ पर अगर कोई भी उचित स्थान अवेलेबल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर महीने दो महीने में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इसको शिफ्ट करवा दूँ। अपने वार्ड में आपके वार्ड में 27 में सतोरिया नाला जो है वो यूं तो अब वो नाला है, सिर्फ बारिश के टाइम में उसमें अच्छा पानी बहता है बाकी गंदा ही बहता है, उसके आपके टाइम में कुछ रिपेयरमेंट हुआ है, उसमें कुछ काम हुए हैं, क्या था कितना काम कराया? बिल्कुल, अपना पूरा हाड़ी रानी सर्कल से लेकर के जो स्वर्ण द्वार बना हुआ है वहाँ तक और परशुराम चौराहे तक अभी काम चालू होगा, पूरा फेंसिंग का काम करवाया है, पहले बीच में बात आई फ्लोरिंग करवाई थी नीचे से, हाँ नीचे से फ्लोरिंग भी करवाई है और ऊपर साइड में वो क्या रोड ऊपर हो गई और जो उसकी दीवार थी वो नीचे चली गई, तो फेंसिंग का काम भी करवाया, उसको ऊपर करवाया अपन ने, बीच में मांग आई थी कि इसको ढकवा ही दिया जाए लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से जो उनको ढकवा नहीं सकते, बिकॉज अगर उसको ढकवा देंगे तो जो आगे से पानी आता है और जो गंदगी आती है सब्जी मंडी की, जनरली अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरा सब्जी मंडी का कचरा ही आता है, तो वो क्या वो सफाई नहीं हो पाएगी और वो आगे जाकर के ब्लॉक करेगा कहीं ना कहीं, तो उसको इसलिए टेक्निकल रीजन से उसको ढकवा नहीं सकते हैं, अदरवाइज फेंसिंग का काम करवा दिया है। और बाकी परशुराम चौराहे से लेकर के अपने माकल माता तक भी अभी जो डिवाइडर नीचे हो गया उसको डिवाइडर बनने का काम भी अभी चालू हो जाएगा बारिश बंद होते से। जी जी मैडम, ये हमारे कार्यक्रम का वार्ड का गार्ड है जिसके ये स्पॉन्सर हैं वाइटिक्स, ठीक है, ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स सारे रखते हैं और ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि कुछ वार्ड जो आपके बहुत अच्छे थे जैसे सेक्टर 8 में उनकी सफाई के लिए थैंक यू के लिए, और जो वार्ड ढंग से नहीं थे उनमें सफाई रखवाने के लिए
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाइटिक्स। तो ये थी वार्ड 27 की पार्षद डॉक्टर सोनिका जैन। इनसे हमने इनके वार्ड में नल, लाइट, पानी, बिजली, सड़क आदि चीज़ों के बारे में बात की। इनके जो वार्ड के वाशिंदे हैं उनसे हमने बात की, उनकी समस्या से फिर आकर हमने इनसे टैली किया और इन्होंने जो अपने विचार थे वो रखे आपके सामने। उदयपुर न्यूज़ का ये जो कार्यक्रम है इसके प्रायोजक वाइटिक्स एंड अर्थ डायग्नोस्टिक हैं। मैं उदयपुर न्यूज़ से ललित मेनारिया हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ गौरव सुथार हैं।